लगातार सेना लड़ेगी शोषित वंचितों की लड़ाई। डॉक्टर आर एस पटेल किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर संपन्न हुई सरदार सेना की बैठक। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर सरदार सेना के कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर आर एस पटेल ने शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने की भरी हुंकार। किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर सरदार सेना के कार्यकर्ता बैठक शाम 3 बजे से शुरू हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल ने अपने संबोधन में संगठन की मजबूती पर बल दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए समाज संगठन सरदार सेना के गठन और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। इस दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष मौर्य, सत्येंद्र पटेल, डॉक्टर एच एन सिंह पटेल, परमानंद पटेल, विजय पटेल, हरेंद्र पटेल सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें पिछड़े दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर उनकी लड़ाई लड़ने पर चर्चा की गई। सरदार सेना की बैठक का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर महापुरुषों को नमन कर किया गया। बैठक की अध्यक्षता राम नगीना पटेल व संचालन नागेंद्र पटेल ने की। इस दौरान आशुतोष जायसवाल, श्रीनिवास संदीप पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में सरदार सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो बैठक हुई है, आज हम 2 जनपदों की बैठक यात्रा के लिए निकले हैं। 2 जगह बैठक रहा, मऊ में और आजमगढ़ में। तो आज जो किसान इंटर कॉलेज में बैठक है, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि पिछड़ों के अधिकार को लेकर यह बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग अधिकार चेतना यात्रा होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के अधिकार को लेकर एक बड़ा चेतना पैदा करेगा। उसको लेकर आज सैकड़ों पिछड़ों के बीच आज हम लोगों ने सम्मेलन किया, बैठक किया। यहाँ पर आज ये तय हुआ है, जो पूर्व निर्धारित भी है, कि सारे लोग पूरे आजमगढ़ और मऊ से पूरी तैयारी के साथ अपने अधिकार की लड़ाई के लिए पिछड़ा वर्ग अधिकार चेतना यात्रा के साथ मजबूती से संघर्ष करेंगे। धन्यवाद साथी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सरदार सेना सामाजिक संगठन है। सरदार सेना नेतृत्वकर्ता बनाने वाली संगठन है। यह नेतृत्वकर्ताओं को निश्चित रूप से स्थापित करने वाली संगठन है, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ेगी। यह चुनाव लड़ने वालों के साथ, जो वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ खड़ा रहेंगे, यह उनको सदन में भेजने का काम करेगी। साहब, इस बात को कंफर्म करना जरूरी है, जितना जब जब सरकार प्रहार करती है तो जो ताकतवर और वैचारिक ताकतवर लोग हैं उनका विचार और मजबूत होता है। तो जो वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने वाली मीडिया है, उन पर यह सरकार प्रहार कर रही है। तो आपने सुना होगा, अभी भारत समाचार का चल रहा था कि हमारे दफ्तरों पर छापा जो मारा गया है, हमें डराने की कोशिश की गई है। हम और भी तेजी से वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह जरूरी भी है, क्योंकि हमारे लोगों को और मजबूत करना है। प्यारे साथी, भुगतना का सेंस क्या है? हमारे ऊपर FIR हुआ। FIR मतलब हम अपराधी नहीं हो गए। सरकार जिसकी चलती है, मैक्सिमम सरकारें वो अपने मन का उनके खिलाफ बोलने वाले, वैसे हम लोग सरकार के खिलाफत वाले लोग नहीं हैं, हम अपने वर्गों के अधिकार के लिए उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। तो सरकार अपनी काम कर रही है और हम अपनी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।